आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तृष्णा चिकित्सा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तृष्णा की चिकित्सा। तो तृष्णा की चिकित्सा कैसे की जाती है और विद इन 5 मिनट्स हम कैसे याद करेंगे, देखिए विद इन शॉर्ट ट्रिक्स से हम इसे याद करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बहुत ही सरलता पूर्वक इस चीज़ को आप समझ सकते हैं और इसको समझ के याद कर सकते हैं। जैसे कि तृष्णा की चिकित्सा में हम दो तरीके से, एक है निदान परिवर्जन, ठीक है, पहला है निदान परिवर्जन, दूसरा है संसमन चिकित्सा। ठीक है, निदान परिवर्जन कहने का मतलब है कि जो निदान ले रहा है उस निदान से करवा दें, ठीक है, परिवर्जन करें। दूसरा है कि संसमन करवाएं हम, तो जो निदान परिवर्जन है उसमें है कि जीवनीय गढ़ द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, दुग्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए और शीतल जल। अब यहाँ पे जल में भी कौन कौन से जल हम ले सकते हैं, तो देखिए जल में जो है वो है इंद्र जल, ठीक है, दूसरा है शीतल जल और तीसरा है तृण पंचमूल जल, इनका यूज हम करना चाहिए। साथ में मुनक्का और चंदन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत सरलता से आप इसका चिकित्सा याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा संसमन चिकित्सा, संसमन चिकित्सा में आता है अवगाहन, गंडूष और दुग्ध से, हाथ में नस करवाना है नारी दुग्ध से और मांस रस का प्रयोग करना है। इस प्रकार ये पूरी आपकी तृष्णा की चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही सरलता से आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको तृष्णा की चिकित्सा याद हो जाएगी। थैंक यू।